हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हिलास ब्लॉग एंड कुकिंग रेसिपी। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ चिकन टिक्के बिरयानी की रेसिपी। ये देखिए हमारी बिरयानी कितनी अच्छी खिली खिली बनी है, देखने में भी कितनी मनमोहक लग रही है। हमारा चिकन भी परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी बिरयानी इसी तरह अच्छी बने, परफेक्ट बने, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को स्किप करके ना देखें, इसे शुरू से अंत तक कंटिन्यू करें, तभी आपको हमारी ये रेसिपी समझ में आएगी और आपकी भी बिरयानी तभी परफेक्ट बन के तैयार होगी। और आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आपको हमारी यह रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। यह देखने में जितनी उम्दा लग रही है, खाने में भी माशाल्लाह उतना ही उम्दा और लाजवाब है। आप एक बार ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो आइए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की ओर। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ले लिया है 600 ग्राम के लगभग चिकन है और 500 ग्राम हमारी चावल है। हमने चावल को अच्छे से धो लिया है, वॉश कर लिया, अब इसमें पानी डाल के एक घंटे के लिए इसको भिगो देंगे। हमने चिकन को भी अच्छे से धो लिया है, अब इसे हम मैरिनेट करने के लिए तैयार करेंगे। इसमें हमने डाल दिया है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्चा पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच नमक, 2-3 चम्मच बेसन। बेसन ना हो आपके पास तो आप अरारोट पाउडर भी यूज कर सकते हैं। 2 चम्मच के लगभग हमने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 नींबू का रस। अब इन सभी मसाले को हम चिकन में अच्छे से मिक्स करके इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। ये हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो गया, अब इसे हम ढक के साइड में रख देंगे। यहाँ पे मैंने 1 पाव प्याज लिया है, इसे मैंने अच्छे से छील लिया है, अब इसे बारीक चॉप कर लेंगे। और 100 ग्राम के लगभग हमारे टमाटर है, उसे भी काट लेंगे। थोड़ा सा धनिया पत्ती है, उसे भी बारीक काट लेंगे। और थोड़ा सा हरी मिर्च है, उसे भी हम बीच से 2 खंड कर लेंगे। हमारी चिकन को भी 1 घंटे हो गया, अब इसे हमने एक फ्राई पैन लिया, उसमें रिफाइन तेल डाल के मैंने गरम कर लिया। आप चाहे तो रिफाइन तेल की जगह घी भी यूज कर सकते हैं। मैंने चिकन को डाल के इसे फ्राई कर लिया। हमें चिकन शैलो फ्राई करनी है। हमारा चिकन फ्राई हो गया, अब इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह करके हम बाकी सारे चिकन को भी फ्राई कर लेंगे। हमारी चिकन फ्राई हो गई, अब इसमें हमने चॉप किया हुआ प्याज को फ्राई कर लेंगे। हमारी प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब इसे हम निकाल लेंगे। हम सारी प्याज नहीं निकालेंगे, थोड़ी सी हम इसी में रहने देंगे। बचे हुए प्याजों के साथ हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसे भी हल्का हम फ्राई कर लेंगे, ताकि अदरक लहसुन का थोड़ा कच्चा खत्म खत्म हो जाए। Thank you.
अब हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट हल्का फ्राई हो गया, अब उसमें हम दो तेज पत्ता डाल देंगे, फिर कटी हुई टमाटर को डाल देंगे और टमाटर को गलने तक हम इसे पकाएंगे। साथ में इसमें यहीं पे हम रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर देंगे, हमें जितना तीखा रखना है स्पाइसी बनाना उसी हिसाब से हम डालेंगे। आपको जितना स्पाइसी रखना आप भी उसी हिसाब से मिर्ची डालें। हमने यहाँ पे 2 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर डाला है, 1 चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है, 3, 2, 1, go! अब हमने जो फ्राई करके प्याज रखा था उसमें से आधा प्याज ले लेंगे और 100 ग्राम के लगभग हम फ्रेश दही लेंगे। दोनों को मिक्सी में डाल के हम अच्छे से पीस लेंगे। हमारी टमाटर अच्छे से मिक्स हो गई है ग्रेवी में। अब हम पीसी हुई दही और प्याज को भी डाल देंगे। हमेशा हमें ख्याल रखना है कि दही हम जब भी डालें पहले उसको अच्छे से बाहर हम मिक्स कर लें, तभी मसाले में ऐड करें, नहीं तो हमारी मसाले में दही फटी फटी नज़र आएगी। जब तक हमारे मसाले भुना रहे हैं तब तक हम बिरयानी के लिए पानी तैयार कर ले रहे हैं। एक पतीले में हमने 2 लीटर के लगभग पानी लिया है, उसे गैस का फ्लेम ऑन करके रख दिया है। अब हम पानी को गर्म होने देंगे। इधर हमारा मसाला भी अच्छे से भून गया है, अब इसमें हम फ्राई किया हुआ चिकन डाल देंगे। थोड़ा सा धनिया पत्ती हम कटा हुआ डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे 5 मिनट ढक के पका लेंगे। हाँ, मैं नमक भूल गई थी, अभी याद आया तो मैं उन्हें ऊपर से डाल दिया। और जब टमाटर डाल दें तभी साथ में नमक ऐड कर दें, तब हमारा टमाटर जल्दी अच्छे से पक जाएगा। इधर हमारी पानी भी गर्म हो गई है, अब इसमें हम मसाले डालेंगे। मैंने 2 तेज पत्ता डाला है, 10-12 लौंग डाला है, 8-10 हरी इलायची है और 1 चम्मच शहजीरा। अगर शहजीरा ना हो तो आप जीरा भी डाल सकते हैं। अब 2-3 चक्री फूल थी जिसे मैंने छोटे पीस में तोड़ के छोटे पीस कर दिए, उसे भी हमने डाल दिया। थोड़ा सा हमने पानी में तेल ऐड कर दिया ताकि हमारा चावल चिपके नहीं, फरारा बनेगा इससे हमारे चावल खिले खिले दिखेंगे। आधे नींबू को मैंने 2 पीसों में काट के डाल दिया। 1/4 टीस्पून मैंने क्योर एसेंस डाला है, इससे बिरयानी में खुशबू अच्छी आएंगी। तीन चार चम्मच नमक, अभी नमक ऐड करके अभी ने हम पकने देंगे अच्छे से। हमारा पानी देखिए अच्छे से पक के तैयार हो गया है, हमारे पानी का कलर कैसे चेंज हो गया है। अब इसमें हम भिगोए हुए चावल को ऐड कर देंगे। हमें यह ख्याल रखना है कि चावल को यहाँ पे पूरा नहीं पकाना है, सिर्फ 80% ही पकाएंगे, 20% हम चिकन के साथ दम करके पकाएंगे।
चावल को ऊपर नीचे मिक्स कर देंगे। अब ढक के एक उबाल आने तक हम इसे पकने देंगे। हमारे चावल में एक उबाल आ गई है, अब चेक कर लेते हैं। हमारे चावल हो गए हैं, अब इसे हम निथार लेंगे। हमारे चावल तैयार है, अब हम इसमें से थोड़े चावल निकाल लेंगे। बचे हुए चावल को अच्छे से हम चारों तरफ इक्वल फैला लेंगे। अब इन चावल के ऊपर हम चिकन की एक लेयर अच्छे से लगा लेंगे। मैंने अच्छे से डाल दिया, अब ऊपर से मैंने कटी हुई धनिया पत्ती डाल दिया, थोड़े से मैंने हरी मिर्च स्पाइसी के लिए, अगर आप कम स्पाइसी खाती हो तो हरी मिर्च ना डालें। थोड़ा सा मैंने फ्राई किया हुआ प्याज को भी डाल दिया। अगर आपको लगे कि नमक का बैलेंस सही नहीं है, परफेक्ट नहीं है, तो ऊपर से आप ऐड कर दें। अब इसके ऊपर से हम बचा हुआ सारा चावल डाल देंगे। अब इसे भी हम चारों तरफ अच्छे से फैला के सेट कर लेंगे। फिर ऊपर से हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। फिर थोड़ा सा धनिया पत्ती ऊपर से शेड कर देंगे। फिर थोड़ा सा हम प्याज, फ्राई किया हुआ प्याज डाल देंगे। इसके ऊपर से हम रेड फूड कलर डाल देंगे। अब एक दो चम्मच हम ऊपर से हम देसी घी डाल देंगे, हमारी बिरयानी में और अच्छी खुशबू आएगी। अगर आपका
पतीला मोटे पेंदी का, तो आप इसे बिना तवा के भी डाल के धीमे तवा पे पका सकते हैं, और नहीं तो पतीले का पेंदी थोड़ा हल्का है तो उसे आप तवा के साथ ही डालें तो अच्छा रहेगा, आपकी बिरयानी सही से पकेगी। अब हम पतीले पे एक अच्छे से मोटे कॉटन कपड़ा को डाल के कवर कर देंगे ताकि हमारे बिरयानी का भाप जो वो आप बाहर ना निकले, उसी में रह के अच्छे से पके। अब इसे हम 5 मिनट फुल फ्लेम पकाने के बाद 20 मिनट इसे लो फ्लेम पे पकने देंगे। उसके बाद फिर हम ढक्कन खोल के इसे देखेंगे, चेक कर लेंगे। ये देखिए हमारी बिरयानी कितनी अच्छी बन के रेडी हो गई है। अब इसे रायते के साथ, सलाद के साथ खुद भी खाएं, मेहमानों को भी खिलाएं। देखिए कितनी अच्छी बनके हमारी बिरयानी तैयार हुई है। अब इसे हम आपको प्लेट में सर्व करके दिखाते हैं। देखिए कितनी अच्छी खिली खिली हमारी बिरयानी बनके तैयार हुई। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हमें अपने दुआओं में याद रखिए, अपने अपने फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।